कर्म योग और उपासना में अंतर क्या है अभी बताते हैं। उपासना में हम ईश्वराकार वृत्ति बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति निषेध पूर्वक, और बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत श्रद्धा उपासना में चाहिए। कर्म योग में बहुत वृत्ति होती है, बहुत कर्म होते हैं, बहुत लोग होते हैं सामने। उपासना में एक ही वृत्ति होती है, एक ही ध्येय होता है और श्रद्धा बहुत बड़ी होती है, इसलिए कर्मयोग की अपेक्षा उपासना का फल बोलो अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वृत्ति है। कर्मयोग वाला तो कभी अहंकारी होता है, कभी कर्म करता है, कभी समर्पण करता है, कभी अहंकारी होता है, वो मिक्सचर में है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इसके में सघन वृत्ति प्रवाह है, किसके में, उपासक में। और सघन वृत्ति प्रवाह होने का फल क्या होता है, बहुत बड़ा फल है, somebody is there in your life, he is working for me, supposing somebody is working for me, in between he becomes egoistic, sometime he does something, 70% time he does, 30% egoistic, hold it, so there is a mixture in karma yoga area। लेकिन उपासना में क्या हुआ, somebody is sitting outside my door एंड कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, कोई हमारे दरवाजे के बाहर बैठ के लगातार बोल रहा है, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे बड़े हैं, हमारा सब कुछ है, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे बड़े हैं, हमारा सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, आप सबसे बड़े हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, आप सबसे बड़े, आप सबसे बड़े, आप सबसे बड़े, आप सबसे बड़े, आप सबसे अच्छे, एक वृत्ति बनाया उसने। अब आप बताओ, इफ यू आर देयर, अगर आप हैं, आपका मन इस वाले पे कौन, जो जो वृत्ति बनाया है उसको लेके इच्छा होगी, क्या इच्छा होगी, क्या चाह, हाँ भाई क्या चाहते हो, क्या हुआ, बस हो गया, क्या है, क्या चाहते हो, पकड़ा, गॉट माय पॉइंट। कर्मयोगी के मन में लगेगा कि इनका काम करके खत्म करें, वो भी बड़ी बात है, फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, कर्मयोगी, कर्मयोगी स्थिर नहीं रहेगा। अगर कर्मयोगी स्थिर हो गया तो उपासक हो जाएगा, फिर कर्मयोग उपासना में परिणति होनी चाहिए। कर्मयोग की उपासना हमारे चित्त में बल देती हो तो तुरंत का फल है, लेकिन दूसरे की ईश्वर के चित्त में ईश्वर को दौड़ा देती है, भगा देती है, रुला देती है। कर्मयोग नहीं, कर्मयोग अहंकार को ढीला कर देता है, कर्मयोग लूजेंस अहंकार, लूजेंस योर अटैचमेंट, लूजेंस योर हेट्रेड। कर्मयोग रास्ता तैयार करता, उपासना बैठ जाती है, आसन तैयार किया कर्मयोग ने, उपासना ने चित्त को भगवान को बैठाया, मेक द प्लेस रेडी, प्लेस रेडी इज वन थिंग, बट ब्रिंगिंग द गॉड फ्रॉम दैट प्लेस, दैट इज उपासना, दोनों दोनों का रोल है।